गुड मॉर्निंग। इस समय दीपक हुड्डा शानदार फॉर्म है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि भारतीय टीम जो कल रात को जीती है उसमें दीपक हुड्डा का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आपको बता दें कि कल भारतीय टीम का पहला अभ्यास मुकाबला था डर्बीशायर के खिलाफ में, और डर्बीशायर की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 150 रन बनाए थे, और अब सवाल था कि क्या भारतीय टीम 151 रन बनाकर इस मैच को जीत पाएगी। लेकिन टीम इंडिया ने शानदार जीत दर्ज की। 16.3 ओवर में भारतीय टीम ने इस रन को चेस कर लिया, और उसके सबसे बड़े हीरो रहे आपके दीपक हुड्डा, जिन्होंने की 59 रनों की पारी खेली, यानी कि 59 रन बनाए। और आपको याद होगा कि आयरलैंड में उनका शानदार परफॉर्मेंस था, पहले मैच में 47 मान रहे थे, उसके बाद सेंचुरी लगाई थी, और अब यहां पर अभ्यास मैच में भी दीपक हुड्डा ने उसी फॉर्म को कंटिन्यू किया जो कि लगातार वो करते हुए आए हैं। और 59 रन दीपक हुड्डा के बल्ले से निकले। इसके अलावा 38 रन यानी कि 38 रन संजू सैमसन ने बनाए, क्योंकि कल ईशान किशन नहीं खेल रहे थे और संजू सैमसन ओपन करने के लिए आए थे। ऋतुराज गायकवाड़ जल्दी आउट हुए, एक बार फिर से फेल हो गए, लेकिन संजू सैमसन के 38 रन, दीपक हुड्डा के 59, और उसके बाद नाबाद 36 रन का यानी कि सूर्य कुमार यादव मिस्टर 360 ने बनाकर भारतीय टीम को मुकाबले में जीत दिला दी। लेकिन भारतीय टीम की गेंदबाजी लाइनअप में भी दो हीरो नजर आए, एक उमरान मलिक, दूसरा अर्शदीप सिंह। दोनों गेंदबाजों ने दो दो विकेट लिए और मेक श्योर किया कि इस अभ्यास मुकाबले में डर्बीशायर की टीम एक बड़े स्कोर की तरफ नहीं बढ़ेगी। जहां पर उमरान मलिक ने शानदार गेंदबाजी की, वहीं पर बाएं हाथ के गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने भी दो विकेट हासिल किए, और भारतीय टीम ने इस मैच में बड़ी जीत दर्ज की है, 7 विकेट से जीत दर्ज की। और उम्मीद करते हैं कि जो दूसरा अभ्यास मैच कल खेला जाएगा उसमें भी टीम इंडिया जीत दर्ज करे, और उसके बाद इंग्लैंड के साथ जो T20 मैच है उसकी तैयारी पूरी तरीके से आप कहें कि जोरदार तरीके से हो जाए, और फिर वो बड़ा चैलेंज होगा वहां पर किस तरीके से टीम इंडिया परफॉर्मेंस करेगी, इस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन आप बने रहिए स्पोर्ट्स टॉक के साथ में, पल पल की इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिलेगी।